हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और घर में होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हेयर का फंडामेंटल। मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट आपको बता रखे हैं, हेयर पे क्या यूज़ करें, ड्राई हैं, डैमेज हैं, या हेयर को ब्यूटीफाई करने के लिए, उनके नरिशमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन जो बेसिक है हेयर का, बेसिक हेयर साइंस, कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल हैं सलून में, बहुत रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं, बट एग्जैक्टली हमें प्रोडक्ट तो पता होता है कि हमें किस है, बट आपको क्या, आपको हेयर पता है, आपको पता है कि आपके हेयर हैं कैसे, कौन सी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, क्या उसके हमको फ़ायदे मिल रहे हैं, कहीं इनसे हमें नुकसान तो नहीं मिल रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी टाइप्स ऑफ हेयर के बारे में, मीन्स आपके हेयर हैं कैसे। तो इसके लिए आपको हेयर साइंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, बस इसमें स्लाइड शो होंगे, बट आप देखिएगा और जो इसके पॉइंट्स हैं उनको नोट करिएगा, और अगर इम्पॉर्टेंट लगे तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी केमिकल करते हैं आपको हेयर साइंस का पता होना चाहिए, जिससे आप अपने हेयर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली आप उसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने हेयर का होम केयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए स्लाइड शो में ये वीडियो चलेगा और आप हेयर साइंस को समझेंगे। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप नोटिस करिएगा, जिससे आप अपने हेयर का केयर भी कर सकते हैं और कोई भी ट्रीटमेंट आप लेते टाइम आपको पता होगा कि हमें अपने हेयर को कैसे केयर करना है आफ्टर द ट्रीटमेंट, बिफोर द ट्रीटमेंट, और कौन से ट्रीटमेंट हमें लेने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए आप पॉइंट्स को और एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर हेयर एंड स्कैल्प, एंड द स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड ट्राइकोलॉजी। और हेयर का मेन फंक्शन होता है मॉइस्चर लेवल मेंटेन रखना और स्कैल्प का प्रोटेक्शन करना। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, जिसमें आप डर्मिस, सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस सारे लेयर्स देख रहे हैं, और हेयर डिवाइड है शाफ्ट एंड रूट्स में। तो लेयर ऑफ द हेयर को आप डिवाइड करेंगे थ्री पार्ट्स में, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो आउटर मोस्ट जो लेयर है उसे कहेंगे क्यूटिकल, मिडिल लेयर कॉर्टेक्स, एंड इनर मोस्ट जो लेयर होता है उसे कहते हैं मेडुला। इसके बाद आप टाइप्स ऑफ हेयर पे जाएंगे, तो ये है कुछ टाइप्स ऑफ हेयर, जिसमें स्ट्रेट एंड वेवी, वेवी कर्ली हेयर और किकी हेयर, तो इस टाइप के हेयर्स होते हैं। और ये है टेक्सचर ऑफ हेयर, तो टेक्सचर की आप बात करेंगे तो यहाँ पे है फाइन टेक्सचर, मीडियम टेक्सचर हेयर एंड कोर्स। तो जो फाइन है आप देख रहे हैं, फाइन का जो डायमीटर है वो लेस देन 0.06 mm है, मीडियम 0.07, तो इस तरह से डिवाइडेड होता है हेयर, जिससे आप अपने समझ सकते हैं। अब आप बात करेंगे कि मैम पोरोसिटी लेवल, मैं कई बार बोलती हूँ, वो डिपेंड करता है यहाँ पे मॉइस्चर लेवल को कंटेन करने के लिए। तो लो, नॉर्मल और हाई पोरोसिटी लेवल होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है वाटर कंटेंट टेकआउट करने का या कलर को रखने का। तो अगर आप बात करेंगे ग्रोथ स्टेजेस का, तो जो हेयर होता है वो डिवाइडेड होता है थ्री स्टेजेस में, एनाजिन, कैटेजिन एंड टेलोजिन। तो जो एनाजिन है वो 2 to 6 years लास्ट होता है, कैटेजिन जो है ट्रांजिशन फेज होता है 1 to 2 weeks के लिए, एंड टेलोजिन जो टेलोजिन कहेंगे उसे हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है हेयर का वो होता है पीएच बैलेंस। तो जो नॉर्मल हेयर होता है उसका जो पीएच होता है वो 4.5 से 5.5 होता है, उससे पहले एसिडिक और उसके बाद बेसिक होता है। तो कलर्स को डिवाइड करेंगे टेम्परेरी, सेमी परमानेंट एंड परमानेंट। टेम्परेरी कलर्स वो हैं जो हम हेयर के आउटर मोस्ट लेयर पे, जैसे आप दिख रहा है यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और ये केवल फैशन शो एंड अदर ओकेज़न के लिए यूज़ करते हैं। तो सेमी परमानेंट जो कलर होंगे उनको हम क्यूटिकल लेयर पे भी अप्लाई करते हैं और थोड़ा सा इनर मोस्ट लेयर तक अप्लाई करते हैं, और इसमें कोई डेवलपर नहीं यूज़ होता है,
और ये लास्ट नहीं करता है ज़्यादा, 4 to 5 वॉशेज में ही हट जाते हैं कलर पिगमेंट। अब बात करेंगे परमानेंट कलर, जो कि आप मेरे वीडियोस में भी देखते हैं, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग कलर्स होते हैं जिनको हम कॉर्टेक्स में अप्लाई करते हैं और डेवलपर यूज़ करते हैं इस टाइप के कलर के लिए। और ये कलर लास्ट करते हैं 3 to 4 वीक्स के लिए, और जितने भी टाइप के सैलून में कलर्स होते हैं वो परमानेंट हेयर कलर्स होते हैं, इसमें अमोनिया एंड अमोनिया फ्री कलर्स दोनों आते हैं। तो यहाँ पे हेयर साइंस और कलरिंग का पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।